क्यों? पहले तो चार पांच लड़के होते थे तो कम से कम एक बहू तो रोटी दे देती थी। आज के जमाने में तो ले देखे एक, और वो भी खैर आप सबकी बहू में तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी मिली है। और जैसी भी मिली है, ईमानदारी की बात है, आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी हैं। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी, नई नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या होना? अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो, हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा, दिक्कत हमारी तो गई। इतने दिन निकल गए, बचे कुछ 7 दिन थे, भागवत में निकल गए। आज कौन सा दिन है? तीसरा। कितना बचा? चार। यूच निकल जाए, कल चौथा हो जाएगा, परसों पांचवा, छठा। अब कई कर तो तुम तो कभी कभी बहुओं को कह दिया करो, हमारी तो निकली गई, बचपन गवा दिया, जवानी निकल गई, शरीर बुढ़ापा आ गया, दो रोटी खाएंगे, कहीं पे भी पड़े रहेंगे, राम गुण गाएंगे, कोई भी दे देगा रे बेटा। पर दिक्कत तो आजकल के बच्चे इतने प्रश्न करते हैं, और प्रश्न माँ से नहीं करते जितने दादी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्राण खाए औलाद दादी। एक बच्चा दादी के पास आके बोला, दादी दादी। दादी बोली, हाँ एक बार तू टे बोलना टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है रे? नहीं दादी तू बोल मुंह से टे, ऐसा बोल दे बस। दादी बोली, नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी तू बोल तो सर, टे नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी कल मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तो तुम ध्यान रखना रे हो इंदौर वालों, टे मत बोलना भूल से। बच्चे इतना प्रश्न करें। एक छोटा बच्चा अपनी दादी की गोद में आकर बैठ गया, बैठ गया, बोला दादी दादी। दादी बोली, हाँ आज वो पड़ोसी है ना लल्लू, हाँ उसके यहाँ पे बूंदी का रायता बना, बूंदी बनी, सेव बना, पूड़ी बनी, सब्जी बनी, चना की। दादी बोली, वो तो बने गई क्योंकि उसकी दादी मर गई तो 12वें का भोजन बना है। इतने में बच्चा बोला, दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक धर के दिया। अच्छा बच्चे भी बहुत प्राण खाए तो दादियों के खाए, क्योंकि दादियों को ज्यादा शौक था। बेचारी बहू छोरा छोरी नहीं देवे तो दादी के, एक तो कर लो रही, मैं पाल लूंगी, मैं पाल लूंगी, मैं बैठी हूँ, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी। अच्छा इनको ना जाने क्या शौक, भगवान दिन भर। अब छोरा बहू का छोरा छोरी हो गया ना, अभी भी आशा लगा के बैठी है, बस बहू का छोरा हुआ, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, पोता बहू आ जाए, बस मैं सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। बताओ सुखदेव आश्रम की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही, सोना की सीढ़ी चढ़ने चली गई। यहाँ पे तो हापड़ी भरा रही हुआ सोना की चढ़। और औलाद भी ऐसी, पर पोता भी हो गया तो सोने की सीढ़ी जब दादियों की चढ़ाए, कई जगह हमको बुलाए देखने के लिए, गुरु जी आओ हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, तो इतनी सी सोने की सीढ़ी बनवाए, इतनी सी सीढ़ी चढ़ जाए, वो सीढ़ी मुड़ जाए पर अम्मा नहीं चढ़े। कब चढ़ती थी सोना की सीढ़ी? गरुण पुराण में लिखा है सोने की सीढ़ी जब पर पोता हो जाता था और डोकरी मरती थी, तब अर्थी पे सोने की सीढ़ी चढ़ती थी।
और आजकल कब चढ़ती है? जीते जी तू तो जा, अभी जा। ब्राह्मण कभी नहीं करता, इसलिए आज भी सोने में ब्राह्मण भोज नहीं होता। कभी देखा आप लोगों ने सोने की सीढ़ी में कभी ब्राह्मण भोज नहीं होगा, क्योंकि सोने की सीढ़ी का भोजन कभी ब्राह्मण नहीं करता, क्योंकि सोने की सीढ़ी जिस दिन मरता है उस कहां प्रणाम करते हैं? मंदिर के पीछे। जितना आगे प्रणाम नहीं करेंगे उससे ज्यादा पीछे करेंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कौन से पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कहीं लिखा देखा? अरे बोलो तो सरी, किसी शास्त्र में पढ़ा? ईमानदारी से बोलना, भगवान कृष्ण के पीछे दौड़कर चल रहा था कौन? काल्याभन। कथा आएगी आगे। जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ था और ब्राह्मणों की सेना लेकर आया था काल्याभन, और भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे, नाम क्या पड़ गया था? रण छोड़ रहा है। तो ईमानदारी से बोलो, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान भागे, भागकर आगे जाके पीछे जो काल्याभन आ रहा था क्या उसको मार नहीं सकते थे? अरे बोलो जम के, मार सकते थे ना। जब जरासंध को मार सकते हैं, आदिकादिक को मरवा सकते हैं, तो काल्याभन को क्यों नहीं मारा मेरे द्वारकानाथ ने, मेरे द्वारकाधीश ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था ये काल्याभन ब्राह्मणों को इतना भोजन कराता है, इतना वस्त्र दान करता है कि सारे ब्राह्मणों का इसका मरना इतना सरल नहीं है। तो भगवान ने सोचा इसको मारने के लिए एक ही काम हो सकता है कि मुझे भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, मेरे पीठ पर अधर्म का निवास होता है। जितना ये मेरी पीठ देखकर भागेगा उतना इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा ये ऊपर आएगा और मर जाएगा। इसलिए भगवान भागे, अपनी पीठ दिखाकर भागे, और पीठ जितनी काल्याभन ने देखी ऊपर जाते से मुचमुंद के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए मंदिर के पीछे जितना तुम प्रणाम करोगे उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा, पुण्य नष्ट होगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। आप सोचो तुमने कितना पाप कमाया, बोलते जाओ। अरे बोलो तो रे, पाप कितना कमाया और पुण्य कितना कमाया? सामने लोग कम प्रणाम करते हैं, बस बिचारी ये परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देखा पीछे प्रणाम करो तो कुछ मिलता होगा, दूसरी ने चालू करी, उसका देखे तीसरी चालू करी, तीसरे को देखे चौथी चालू करी, पूरा भारत की भूमि सब गंजी हो गई उसी के चक्कर, सब ये कर्म पाने लगे। तो बेचारे वो तो कहीं कहीं के संत विद्वान थे, कहीं कहीं के महात्मा विद्वान थे, तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो चिपका दिया भगवान का कि कम से कम इन्हें पाप तो नहीं लगेगा, तो फोटो चिपका दिया कि कम से कम आगे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। बेचारे संतों ने कृपा कर दी, पर तुम में अकल नहीं आई रे दादा, कई करे। और पूरे भारत की भूमि पर तुम कहीं पे भी घूम के देखना, जितने मंदिर मिलेंगे सब में पीछे लोग प्रणाम करते मिलेंगे। उनको समझाओ तो कोई समझे वे? अरे बोलो तो सरी, क्या मालूम था कि अधर्म से मालूम पुण्य। ऐसी कई गलतियां हैं जो हम जीवन में करते रह रहे हैं, बहुत गलतियां करते हैं हम, बहुत। दिए के अंदर ही बत्ती रख के जला दें, परिक्रमा कर लें, ऐसी कई गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं और भगवान से आशा रख रहे हैं कि भगवान हमको तार देगा, स्वर्ग भेज देगा, कहीं नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, फालतू की बात। सुधारो, कुछ तो गलत भक्षण करा होगा तो स्वास्थ्य का खराबी हो जाती है, कुछ जीवन को भ्रमता उत्पन्न कर दे। हमें बचना उस भ्रम से, हमें डरना उस भ्रम से। महाराज भरत जी महाराज हिरण की योनि में पड़ गए, हिरण की योनि से निकले, संतों की परिक्रमा कर कर तो वापिस मनुष्य देह मिल गई, नाम भरत पड़ गया। बड़े भाई ने कहा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, एक बार की उड़ाई, दूसरे बार नहीं उड़ाई, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया ना उड़ाई,
राजा जड़ भरत नाम पड़ गया। भरत जी को जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, पागल मतलब मूर्ख। पागल प्रमोशन होता है, समझदारी डिमोशन होती है। पागल क्या है? अरे बोलो झमके, प्रमोशन। आपको कोई पागल कहे बड़े प्रसन्न होना, बड़े अगर कोई आपको पागल कह रहा है तो उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। समझदार नहीं बनना, बना कभी जिंदगी में मत बनो समझदार। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पागल। जो समझदार होती है वो 24 घंटे काम में लगी रहती है। काहे बजा रहे हो? दो तरह की, एक समझदार है एक पागल। समझदार लगी हुई है 24 घंटे, पागल है वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के वो जा। उसको कोई सुध नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मीरा को, कर्मा को, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के जितने संत हुए लोगों ने उनको पागल ही तो कहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो डूब गया लोग कहते हैं वो पागल हो गया। महाराज भक्ति में भरत जी महाराज ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया। कपिल मुनि के आश्रम में राजा राहुगण गए हैं, बाबा कपिल ने भी उनको ज्ञान अर्जन कराया। समय आया आगे हिरण्यकश्यप, ऊपर ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु, सब रूप में मैं मरूं ना ये विचार किया। घर आए, पत्नी नहीं थी इंद्र के यहाँ, इंद्र के यहाँ से नारद जी के यहाँ, नारद जी के यहाँ से पत्नी और पुत्र को लेकर आए। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है, जिसने आते ही भगवान के नाम का एहलाद करा वो प्रहलाद हुआ। प्रहलाद, प्रहलाद लेकर आए, विद्या अध्ययन करने भेजा। जिसको गर्भ का ज्ञान हो उसे बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भित ज्ञान प्रथम होता है, प्रथम ज्ञान है गर्भ का। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, और दिन भर वह टीवी में ढिसुम ढिसुम, तो वो औलाद भी ऐसी पैदा होती है दिन भर ये वो तोड़ती फिरती है। मिले रोते ही मिले तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई है, एक मिनट सकनी नहीं बैठे, एक मिनट। कई कई बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, कह देती है बहू हमारी भी चार चार औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो आराम से खेलती रहे, ऐसी औलाद तूने पैदा करी है, दो मिनट चैन से नहीं रहने, दो मिनट। कई माताएं हिरण्यकश्यप ने पूछा, जब हिरण्यकश्यप की बहन चली गई समाप्त, पूछा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में है, खंबे में भी है। गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। शाम का समय था, पकड़ा दहली पर ले गए, न नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारा, न अंदर ना बाहर दहली पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, नख से, न दिन में ना रात में, शाम के समय, न नर से न पशु से नरसिंह बनकर, ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास। आंतों को फाड़ा, आते निकाल कर गले में धारण करा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोलो नरसिंह भगवान की,
नरसिंह भगवान का आनंद सुख प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने स्तुति करी है महाराज, नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल, नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल, नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल, नर भजो नरसिंह गोपाल, 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 नर हरि नंद लाल 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 भजो नरसिंह गोपाल। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह आनंद में रहकर प्रहलाद को जिभ्या से चाट कर पशुता दर्शाते हैं, स्तुति कर आनंद सुख प्रहलाद जी महाराज पाते हैं। आगे गजग्रह का वर्णन, एक सुंदर सरोवर में हाथी स्नान करने गया, मगर ने पांव पकड़ा, छूटता नहीं, बहुत प्रयास किया, अंत में पूरा परिवार जब हार गया तब भगवान को बुलाया। भगवान ने आकर सुदर्शन उठाकर उस मगर का शीश काटा है, हाथी का पांव छूटता है, हो नाम का सुर भगवान का स्मरण कर कर जाता है, कोई नहीं आता, कोई तो कहते ना, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, बस एक वही सम्मुख में पहुंच, बाकी का कोई। अच्छा, मरते समय लोगों को फोन करके क्यों बुलाते हैं? आप लोगों को मालूम हो तो जरूर बताओ मुझे। बुआ जी आ जाओ, अम्मा जा रही है, मतलब बुआ की यमराज से अच्छी पट्टी हो, हो सकता है यमराज बुआ जी को देख के छोड़ जाए, पड़ोसन को उठा के ले जाए, या बुआ की आंख से डर जाए। कई लोगों, मामा जी आ जाओ, अम्मा जा रही, मामा जी आ गए। अच्छा, मरने वाले से पूछा भी जाता है, देखो कौन खड़ा पास में, बुआ जी खड़ी, मामा जी खड़े, काका जी खड़े, और अम्मा इधर मुंह फेर लेती, इन्हीं के कारण तो मर रही, आंख में से आंसू झड़ते रहते हैं, मुंह से बोल नहीं पाती, परिवार के लोग कहते तुम्हें पहचान गए इसलिए रो रही है, अम्मा से पूछो इसलिए रो रही, पूरी जिंदगी लगा दी, खोल लो तुम में, तुम्हारे कारण मर रही इसलिए रो रही। ऐसे कह देना परिवार वालों से, हमारे मरते समय जब प्राण छूटे डॉक्टर अपना काम करे, पलंग के पास में कोई मत खड़े होना, तुमको देखकर नहीं मरना चाहते, तुम्हें देखकर मरेंगे, वापस तुम में उलझ जाएंगे, फिर काम करना, डॉक्टर अपना काम करे, मेरे पलंग के पास नीचे बैठकर भगवान का भजन करना, कम से कम बोल नहीं सकती तो सुन भी लूंगी तो तर जाऊंगी, इतने में पार लग जाएगा, भजन चित्त कर, स्मरण करें, भजन करें, बस नाम जप, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ, अंतिम समय में वो साथ। कहे हारे 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 तुम हारे के सहारे, हम दुनिया में जगत में हार जाए पर एक सहारा आपका है, आपकी कृपा, आपके दीमान, कोई कौन होगा महाराज, बाकी बिहारी, मेरा ठाकुर, मेरा लाडला, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाला, मेरा कन्हैया, बस एक वही। हाथी का पांव छूटा, देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन करा, सब कुछ निकला, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना गऊ औषधि सब, फिर निकली लक्ष्मी वो भी, अमृत निकला, विष निकला, विष शिव जी को दिया, अमृत देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ा लिया, आपस में
भगवान ने मोहिनी बनकर अमृत बांट दिया। चंद्र सूर्य ने कहा ये राहु है शीश कटा, ऊपर का भाग राहु नीचे का भाग केतु हो। राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई। अदिति माता ने कश्यप बाबा से विनती करी, मेरे गर्भ से कोई ऐसा पुत्र हो जो इंद्र की सत्ता को ला कर दे। राजा बलि से कुछ लेकर आए। कश्यप बाबा ने अदिति माता को पयोव्रत करवाया और उस व्रत की प्रबलता से अदिति माता के गर्भ में भगवान वामन आकर विराजमान हुए हैं। अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की। अदिति माता के गर्भ से जब वामन भगवान प्रकट हुए, राजा बलि पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाए राजा बलि के। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। तीन पग भूमि का दान मांगने के लिए जा रहे हैं। तीन जोरदार ताली बजाए वामन भगवान पधार रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोले हो, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए। महाराज तीन पग भूमि का दान दे दीजिए। आवाज आई, राजा बाहर जाकर भिक्षा के लिए बोलते हैं ब्राह्मण देवता आपको क्या दूं, तीन पग भूमि का दान चाहिए। महाराज तीन पग भूमि में तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, करोगे क्या? महाराज आपका काम देने का, मेरा काम लेने का, आप दीजिए। और महाराज तीन पग भूमि के दान को देने के लिए आतुर वामन भगवान संकल्प लिए हैं राजा बलि से कि पृथ्वी नापि एक में दूजे में आकाश, तीजा डगया कते लखे सभी असुर निराश। महाराज तीसरा पांव कहां रखे? वामन भगवान के सम्मुख में राजा बलि ने अपना मस्तक आगे करा। शीश झुकाते ही राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने अपना तीसरा चरण रखा। देवता पुष्पों की वृष्टि करे, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। बोल वामन भगवान की जय। हाँ जी, जजमान आए वामन भगवान का पूजन करने के लिए। ध्यान दें, आज कथा का तीसरा दिवस है, वामन चरित्र की ओर अग्रण्य है। कल कथा में राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा होगी। बड़े भाव भक्ति से कल की कथा 10 बजे से चालू होकर ठीक 12:30 बजे तक रहेगी। कितनी बजे तक जम के बोले? 12:30 बजे। और 12 बजे राम जी का जन्मोत्सव करके कथा को विराम देंगे। उसके बाद में कथा कल दोपहर में शाम को 5 बजे प्रारंभ होगी, जो 7 बजे तक चलेगी। बड़े आनंद से कल सुबह के क्रम में राम जन्म की कथा पर पहुंचेंगे और शाम को कथा में भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की ओर पहुंचेंगे। तो सुबह की कथा कितनी बजे है? 10 बजे से 12:30, और शाम की 5 बजे से 7 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। निश्चित समय पर पहुंचकर कल कर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव करेंगे। आप भी अपने साथ टॉफी मखाने ला सकते हैं, छोटी छोटी मिश्री मत लाना, चीटी वीटी होती है इसलिए। टॉफी मखाने बड़ी बड़े जो सामग्री हो वो लुटा सकते हैं। बड़े आनंद से कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव शाम की कथा में, सुबह भगवान राम का जन्मोत्सव होगा। वामन भगवान की पूजन हो रही है, आप सब भी वामन भगवान की भिक्षा का दान देंगे।
ब्राह्मण आपके पास में झोली लेकर आएंगे, आप उसी में बामन भगवान की भिक्षा देंगे। जिन्होंने इस पुनीत पावन कथा महोत्सव में भंडारा भोजन में ब्राह्मण भोजन आदि में दान सहयोग दिया है उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। नितेश जी हरडिया इंदौर से 101 रुपए, नैतिक जी हरडिया इंदौर से 101 रुपए, नव्या हरडिया इंदौर से 101 रुपए, इवान हरडिया इंदौर से 101 रुपए दिए हैं। काजी शर्मा जयपुर से आए हैं जिनकी ओर से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जोरदार ताली बजाएं। गुप्त दान 200 रुपए प्राप्त हुए हैं। सुरेंद्र जी गर्ग भटिंडा पंजाब से आप आए हुए हैं जिनकी ओर से भोजन भंडारे में 2100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जोरदार ताली। बनवारी लाल जी अग्रवाल जयपुर वालों की ओर से 3200 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जोरदार ताली बजाएं। 3200 रुपए की राशि प्राप्त हुई है भोजन भंडारे में। श्रीमती मनीषा जी मोरे की ओर से 5500 रुपए की राशि है, ये कल घोषणा हो चुकी थी, और श्रीमती शारदा हडिया जी की भी घोषणा कल हो चुकी थी। चीतल लाल जी विजय जी देवली टोक से हैं, इनकी ओर से 2100 रुपए की राशि भोजन भंडारे में दी गई है। श्याम भाई शाह जलगांव वालों की ओर से 1100 रुपए, दीपक भाई छपखाना वालों की ओर से औरंगाबाद वालों की ओर से 1100 रुपए भोजन भंडारे में दिए गए हैं, जोरदार ताली बजाएं। सूर्यकांत जी मिश्रा अंबाला से हैं, आप आर्मी में हैं और बहुत सुंदर सेवा आप देखते होंगे, भोजन आप करते हैं उसके बाद जो पोछा लगाया जाता है वो आप ही सेवा प्रदान करते हैं, जो कि आप मिलिट्री से भी हैं। सूर्यकांत जी मिश्रा अंबाला से आए हैं। शरद कुमार जी माथुर दसलाड़ा इंदौर से हैं, आप 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करें हैं। रामकिशन जी रेखा कुशवाहा इंदौर से हैं, आप बहुत अच्छे सेवक हैं और सहयोग राशि आपके 1100 रुपए की प्राप्त हुई है। श्रीमती हेमलता जी व्यास इंदौर से हैं, ब्राह्मण भगवती गीताबाई जी हडिया इन्होंने 2100 रुपए की राशि दी है। रमेश चंद्र जी मोरे आपने 500 रुपए की राशि प्रदान करी है, जोरदार। मुरादनगर वालों की ओर से चाय के लिए 551 रुपए की राशि आपने चाय के लिए प्रदान करी है, जोरदार ताली बजाएं। आपका जो सहयोग मिला है समिति को, आपके द्वारा जो भोजन प्रसादी आदि का अधिक में सहयोग मिला, शिखा खरगोन मंडल की ओर से 4500 रुपए की सहयोग राशि 5100 रुपए। खरगोन से जो महिलाएं आई हैं और पुरुष वर्ग आए हैं, जो भी समिति खरगोन से कथा सुनने के लिए यहाँ ग्रुप आया है, उन सभी की ओर से 5100 रुपए की राशि विटले सेवा समिति को यहाँ भोजन भंडारे में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो आज पूर्णिमा के दिन दान दे रहे हैं भोजन भंडारे में, उसके लिए धन्यवाद। हमारे शर्मा जी जो कि डंडी आश्रम का सुंदर कार्यभार देखते हैं, मैनेजिंग देखते हैं, ऐसे शर्मा जी की ओर से आज पूर्णिमा के दिन भोजन भंडारे में 1000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर आश्रम की ओर से भी दान आता है, ये बहुत कम जगह, भूतो न भविष्य के, अपन कितनी जगह कथा करते हैं पर हर जगह पर हम देखते हैं कि लोग उसको खींचने की सोचते हैं, पर पहला आश्रम देखा जहां पर आप लोगों ने सहयोग करा, बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नवीर वर्मा ने अपनी बहन कुमारी राजेश्वरी जी के जन्म दिवस पर 2100 रुपए की सहयोग राशि दी है, जोरदार ताली बजाएं ऐसे भैया के लिए। श्रीमती पेमलता जी हडिया जी की ओर से ब्राह्मण भोजन में 1500 रुपए की राशि प्रदान करी है। हमारे गहलोत जी की ओर से जो कि जोधपुर के निवासी हैं और सत्संग समिति से जुड़े हुए हैं, मिटले सेवा समिति से, 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी है। आज पूर्णिमा के दिन भगवान भंडार भरे आपके जीवन में सुख का अनुभव कराए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो सहयोग दे रहे हैं। अमिता हमारी सुमित्रा बेन सोलंकी की ओर से 1100 रुपए की सहयोग राशि भोजन भंडारे में प्रदान करी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। शकुंतला भाटी जी की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि जोधपुर वाली बहन जी की ओर से आज पूर्णिमा के दिन प्रदान करी।
श्री राजा बाबूजी राठौर, आप ऑनलाइन पंजीयन कराए हैं बिटले सेवा समिति में आने के लिए। 1100 रुपए की सहयोग राशि आपकी ओर से, राठौर साहब की ओर से प्राप्त हो रही भोजन भंडारे में। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, भैया जी। शकुंतला भाटी जी की ओर से 1100 रुपए की राशि भोजन भंडारे में प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप सभी का आदर सम्मान भाव में, शर्मा जी 2 मिनट आए, आपका बिटले सेवा समिति की ओर से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन के नाम लिए हैं वो भी यहाँ पर पधारे, उनका यहाँ पर स्वागत है। खरगोन महिला मंडल और राठौर साहब आप भी पधारे। साथ में जिनके नाम यहाँ से पुकारे गए हैं वो सभी आए, सबका स्वागत यहाँ बिटले सेवा समिति की ओर। जिनकी पोथी बैठी है उन जजमानों के नाम कल आएंगे, उनको कल बुलाया जाएगा। आज जिन्होंने दान दिया है और अपने दिल से, अपने भाव से आप दान दे रहे हैं, ब्राह्मण भोज, संत भोज आदि का अधिक, और आप सभी के भोजन भंडारे में जोरदार ताली बजाते हुए आप लोगों का सहयोग। मुन्नी भाई जी सेन जी की ओर से, इंदौर से 500 रुपए भोजन भंडारे में दिए।